हेलो 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 ठीक अब ठीक अब ठीक अब ठीक। सॉरी दोस्तों का टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो गया इसमें, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी शायद, जो अब शायद रिजॉल्व हो गई है। तो स्वागत है आपका फिर से इंडिया लार्जेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। यूनिट 7 को हमने स्टार्ट किया था ना, एक बार मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, थोड़ा परेशान किया मैं, मेरे कारण आपको परेशानी उठानी पड़ी है। पूरा शो करूँगा, मैं पूरा ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से भी प्रॉब्लम ना आए, है ना। तो अगेन सॉरी। तो इन चैनल्स के ऊपर MP360 चैनल पर जुड़ रहे हैं, इसके अलावा अभियान और लेट्स गेट MP एग्जाम, ये भी चैनल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। अगर अभी भी बताइएगा और वॉइस अगर क्लियर नहीं है तो अभी भी आप बता सकते हैं। आई होप आप सब कुछ ठीक है। चलिए ठीक है ना, सॉरी गैर सब्सक्रिप्शन है। ओके, यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन के लिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज अवेलेबल और डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स के लिए यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है, जो स्ट्रक्चर फॉर्म में आपको एक बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं एक सब्सक्रिप्शन लेकर, है ना। यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या फायदा है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या इंटरेक्शन कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आप क्या कर सकते हैं, डाउट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलती हैं और यहाँ पे लाइव टेस्ट होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट देना, है ना, अपना एनालिसिस करना। यहाँ पे लाइव टेस्ट और क्विजेस यहाँ पे ऑन डेली बेसिस आपको अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, अवेलेबल होते हैं, सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, और एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस होती है किसी भी चीज़ से। ओके, लाइव इंटरेक्शन और डाउट यहाँ पे आराम से यहाँ पे क्लियर होते हैं। फिर और क्या है, यहाँ मेरा डेमो है, ये सॉरी मेरा यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अलावा अगर आपने अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ पे जाइए और सबसे पहले तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे जो स्पेशल क्लासेस है उनको अनलॉक कीजिए, ठीक है। अनलॉक करने के लिए आपको यूज़ करना है LOVE10 LOVE10 इस कोड का आपको इस्तेमाल करना है वहाँ की क्लासेस को अनलॉक करने के लिए। इंस्टॉल करने के बाद अगर यहाँ पे आप चाहेंगे तो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मोड में आपको टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। यहाँ पे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के यहाँ पे प्लान्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे 7000, सिर्फ 7000 में आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल रहता है और 2 साल के सब्सक्रिप्शन में आपको 8400 यहाँ पे फीस है, जो कि आपको क्या होती है 10% डिस्काउंट के साथ मिलेगी अगर आप इस कोड का यूज़ करेंगे, है ना। जो सिर्फ आपको कितने में होगी 6300 एंड 7560 में आपको क्या पड़ेगा, 2 साल का कोर्स आपको मिलता है, ठीक है। तो यूनिट 7 में हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्टिंग में फटाफट से अपन रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर अपने बता चुका हूँ, मैं बार बार बता चुका हूँ, मोल और आपको कैंडेला को याद रखना है, क्वांटिटी मात्रा और प्रकाश की तीव्रता जो बेसिक यूनिट्स है ना, जो आपको एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा हैं, तो आपको याद रखना है इन दो यूनिट्स को, न्यूटन और यहाँ पे वर्क और एनर्जी हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, याद रखना है दोनों की यूनिट सेम होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, प्रेशर की यूनिट पास्कल है। फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन में हम अंतर देख चुके हैं, क्या अंतर होता है फिर से एक बार बता दूं, क्या होती है दूरी हमेशा क्या होती है पॉजिटिव हो सकती है, जबकि विस्थापन जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या है जीरो भी हो सकता है। ओके, फिर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देखा था अपने, वेलोसिटी क्या होता है कहीं भी चली गई दूरी उसके कितने टाइम में ली गई है, कितना टाइम लिया उसने कितनी भी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, उसको अपन क्या कहते हैं, उसी को अपन कहते हैं वेग, जिसे कहते हैं इंग्लिश में वेलोसिटी। और वेलोसिटी में जो चेंज होता है, वेलोसिटी कम या ज़्यादा होती है ना, कोई भी चीज़ ज़्यादा धीरे चलती है या कम या तेज चलती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है समय के साथ अलग अलग होती है। कोई ट्रेन की स्पीड क्या होती है, कभी ज़्यादा कभी कम होती है, है ना। अपनी बाइक भी चलाते हैं तो बाइक में अपन क्या करते हैं, स्पीड क्या करते हैं, उसका एक्सीलेटर जो होता है, एक्सीलेटर जो करता है उसको अपन क्या करते हैं कम या ज़्यादा करते हैं, तो एक्सीलेटर अपन क्या करते हैं, अपन वेलोसिटी को क्या करते हैं कम या ज़्यादा करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी को हम क्या करते हैं कम ज़्यादा करते हैं, तो उस वेरिएशन को अपन क्या कहते हैं एक्सीलरेशन कहते हैं, हिंदी में जिसे हम क्या कहा जाता है हम उसे त्वरण कहते हैं, ठीक है। फिर पॉजिटिव और निगेटिव एक्सीलरेशन होता है, अगर बाइक की स्पीड आप तेज करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं एक्सेलरेट कर रहे हैं उसको, उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं मतलब क्या, उसमें आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन दे रहे हैं।
अगर आप बाइक की स्पीड को धीरे कर रहे हैं तो ये एग्जांपल है ऋणात्मक विस्तार, ऋणात्मक त्वरण का, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन का, है ना। इस एग्जांपल से आपको याद रखना है इस चीज को। फिर अपन ने टाइप्स ऑफ मोशन देखे थे, किस टाइप की गति होती है। एक सीधी रेखा में गति करती हुई चीज को अपन रेखीय गति कहते हैं। वृत्ति गति, आवर्त गति, इन सभी चीजों को अपन ने देख चुके थे, एग्जांपल के साथ हमने देख चुके थे। और फिर से आपको बता दूं, इस नंबर पर, है ना, इस नंबर पर आप यहाँ पे इस पूरे पीडीएफ को आप क्या कर सकते हैं, एक और सजेशन में देना चाहूंगा आपको, अपनी चीजों को, है ना, ऑफलाइन में क्या है, ऑनलाइन जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ने की कोशिश कीजिए। चीजों को कलेक्ट करने से कोई मतलब नहीं है, है ना, इन चीजों को लिखने से भी ज्यादा भी मतलब नहीं, क्योंकि हम जा रहे हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम की तरफ, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी एग्जाम की तरफ जा रहे हैं, चीजों को हमको इन्फॉर्मेशन को हमारे दिमाग को ज्यादा रखना है, है ना। जब मेंस के एग्जाम आएगी तो आपको लिखने पर ज्यादा ध्यान देना है, अभी से आपको बता दूंगा, ठीक है। प्रीलिम एग्जाम में आपको इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है, अपने गैदर करना है ना, उसको बार बार रिपीटेशन के साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखने की प्रैक्टिस अभी नहीं करनी है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखने की प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। तो चीजें आपको क्लियर हो रही है ना, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इस नंबर पर मैसेज कीजिए, स्टूडेंट्स अभी मैसेज करे जा रहे हैं, जो मैसेज नहीं कर रहे हैं वो भी कीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। ये मैंने आप ही लोगों के लिए बनाया हुआ है, इस तरह के पीडीएफ में आगे अभी अवेलेबल करवाऊंगा। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए और इस पीडीएफ को आप यूज़ कीजिए, है ना। जो भी चीज़ें हैं उसको सिर्फ एक बार आप रीड करेंगे, चीज़ें आपकी आसानी से, मैंने हर एक चीज़ को इमेजेस के साथ आपको एग्जांपल में समझाया है। मेरा पूरा टारगेट था कि मैं सबसे पहले आपको क्या कहूँ, पूरा प्रैक्टिकली फॉर्म में आपको चीज़ों को समझाऊँ, ईजी फॉर्म में आपको समझाऊँ। सारी चीज़ें एकदम सही सही लिखी है, पूरी की पूरी चेक किया हुआ है मैंने, है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से मैंने पीडीएफ को प्रिपेयर किया है, ठीक है। प्रक्षेप पे गति, प्रोजेक्टाइल मोशन को मैंने अच्छे से समझाया आपको क्या होता है। जब कोई पत्थर को फेंकता है तो क्या होता है, एंगल के फॉर्म में वो क्या करता है, गिरता है, दैट इज कॉल्ड प्रक्षेप पे गति, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके बाद मास और वेट, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मास और वेट में आपको समझाया था, वेट क्या टाइप का फोर्स होता है, जबकि मास क्या होता है, कहीं भी वेरी नहीं करता है, मास कभी भी बदलता नहीं है कहीं भी। क्यों? क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के ऊपर या ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड नहीं है, जो अलग अलग प्लैनेट्स की, अलग अलग ग्रहों की अलग अलग होती है, ओके। हमने फिर दूरियों को वहां पर मैं बता, खगोलीय इकाई क्या होती है, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी के बीच में मापी जाती है। लाइट ईयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि लाइट ईयर इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, आपको याद रखनी है, ये दूरी की इकाई है। फिर हमने देखा था पार्सेक, लाइट ईयर, एयू, ये भी तीनों बड़ी है, उनका हमने क्या देखा था, कंपैरिजन किया था। कंपैरिजन करने में हमने पाया था कि पार्सेक सबसे बड़ी यूनिट है, उसके बाद लाइट ईयर आती है, एयू उसकी क्या होती है, यूनिट होती है, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हमने देखा था कि प्लांक कॉन्स्टेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ऊपर, है ना, प्लांक कॉन्स्टेंट, प्लांक नियतांक और विद्युत चुंबकीय बल के आधार पर यहाँ पर द्रव्यमान की एक नई परिभाषा दी गई है ना। क्यों? क्योंकि पहले जो परिभाषा दी गई थी किसके ऊपर बेस दी थी, वो दी गई थी जी के वैल्यू के ऊपर। तो जी की वैल्यू क्या होती है, हमने देखा जी की वैल्यू ग्रह अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग होती है, या सॉरी ग्रहों के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर भी, है ना, पृथ्वी के ऊपर भी कहीं के स्थान पर जी का मान बहुत ही कम वैरी करता है, बट वैरी करता है। तो हमारा क्या कहा था, हमें हर जगह पे, अगर हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में निकाले, अमेरिका में निकाले, श्रीलंका में निकाले, कहीं भी निकाले, उसका मास में परिवर्तन या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया कि प्लांक कॉन्स्टेंट और विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के ऊपर हमने क्या दी थी, द्रव्यमान की नई परिभाषा दी गई थी। किबले बैलेंस को याद रखने, किबले बैलेंस एक किबले संतुलन है, है ना, जो मोर एक्यूरेसी ज़रा इसके लिए हमने यूज़ किया गया था। तो इन चार पॉइंट, दो तीन पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, याद रखना है, क्वेश्चन आएगा प्रीलिमिनरी में आप यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, किसी ने आंसर नहीं किया था कमेंट में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी, है ना, चांसेस है इसके पूछने के, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, केमिस्ट्री से निकला गया है आईयूपीएसी, अभी भी बताइए जो भी ऑनलाइन है, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या है, क्या आपको बता सकता है। ये यूपीएससी नहीं है, आईयूपीएससी है, ठीक है, केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज है ये। यहाँ पे अपन जो अलग अलग
केमिकल फॉर्मूलास को अलग अलग नाम देते हैं, तो इसका नाम हो याद रखिएगा इंटरनेशनल ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में भी इसका नाम यही है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मे बी पॉसिबल कि इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अगर किसी टाइप की भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बता सकते हैं। फिर हमने देखा था टाइप ऑफ फोर्स, बल के प्रकार देखे थे, और अगर नहीं आ रही तो भी प्लीज कमेंट कर दीजिए। फिर न्यूक्लियर फोर्स, इसमें आपको क्या रखना है कि ये बल सबसे ज्यादा पावरफुल बल है और क्या रहता है, सबसे कम दूरी पर लगता है। इस चीज के दो पॉइंट को आपको याद रखना थे। वंडर ऑफ फोर्स केसों के रूप में पाया जाता है, बड़ा गुण देखा था अपने, क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स। आप देख रहे होंगे कि हम समय के साथ क्या कर रहे हैं, रिवाइज हमको आपके देख रहे होंगे कि चीजें जो फर्स्ट वीडियो से फॉलो कर रहा है वो ये फील कर पा रहा होगा कि सारी चीजें उसके दिमाग में आसानी से बैठ चुकी है ना। क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा एग्जाम के बाद, देखिएगा क्वेश्चंस यहीं से निकल के आएंगे। सिर्फ आपको क्या रखना है, जो भी चीजों को मैं ध्यान रखने का कह रहा हूँ, याद रखना कह रहा हूँ, उनको आपको सिर्फ दिमाग में रखना है। ठीक है, एफ इक्वल्स टू एम होता है, कौन होता है, सेकंड लॉ बोलता है कि मास जितना ज्यादा होगा फोर्स की रिक्वायरमेंट उतनी ही ज्यादा होगी, एक्सेलरेशन उसका अगर अपन कांस्टेंट रखे तो। सेम एक्सेलरेशन के कारण अगर मास वेरी करेगा तो फोर्स भी क्या करेगा, वेरी करेगा, है ना। ये चीज कौन बोलता है, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है। संवेग मतलब क्या, मास अगर जुड़ जाता है वेग के साथ उसको अपन क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। जितना उसमें चेंज होगा उसको उतना ही क्या होगा, फोर्स वेरी करेगा। कम फोर्स अगर लगेगा, कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, अगर क्या होगा, द्रव्यमान उसका क्या होगा, वस्तु का कम होगा। ठीक है, फिर गति का तीसरा नियम भी देखा था अपन ने, एग्जांपल्स देखे थे। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स को आप याद रखना है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट किसके लिए यूज होते हैं। एस्केप वेलोसिटी को हमने देखा था, प्लेनेट से बाहर फेंकने के लिए किसी वस्तु को। फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी यहाँ पर देखा था, जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, शून्य होता है। केपलर के नियम देखे थे, ग्रहों के बारे में जो केपलर ने नियम दिए थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड रोल ये थे। पहला क्या होता है, दीर्घवृत्ता का पथ में। फिर देखा क्या होता है, समान समान टाइम में क्या होता है, समान एरिया को कवर करता है। थर्ड लो देखा था, थर्ड क्या होता है, परिक्रमण काल का वर्ग, उसकी त्रिज्या के क्या होता है, दूरी के क्या होता है, वर्ग घन के समानुपाती होता है, क्यूब के क्या होता है, प्रपोर्शन होता है, डायरेक्टली प्रपोर्शन होता है। फिर बृहस्पति और पृथ्वी के बीच की तुलना हमने की थी, ये भी देखी थी अपन ने। वर्ग देखा था, वर्ग का फॉर्मूला था बल गुणित विस्थापन, है ना, बल और विस्थापन के बीच का जो गुणनफल होता है उसी को अपन कार्य से परिभाषित करते हैं। फिर कार्य क्या है, एक टाइप की एनर्जी है, ये एक अधिश राशि है। अधिश राशि सदिश राशि में हमको, मैं हमको अंतर बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। अधिश में क्या होता है, अधिश में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उसे अपन अधिश राशि कहते हैं। ठीक है, इसको अपन स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। फिर याद रखेगा एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। इसके बेसिस के ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे क्या रहता है, एफ डी इंटू कॉस थीटा, है ना। यहाँ पे टेन थीटा भी हो सकता है, टेन थीटा गिवन हो, कॉस थीटा गिवन हो, कुछ भी गिवन हो सकता है, याद रखना है आपको। केवल क्या है, कॉस थीटा यहाँ पे है ना, जो क्या करता है, कार्य को परिभाषित करता है। एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा इज द फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कांस्टेंट फोर्स क्या होता है ये भी आपको बता चुका था। कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, मतलब क्या, जरूरी नहीं है हम कभी ज्यादा कभी कम फोर्स लगा तो हम क्या मानते हैं, उसका एवरेज मानते हैं, एवरेज या अपन उसको बोल सकते हैं कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, एग्जांपल से मैंने आपको यहाँ पे बता चुका था, पॉजिटिव निगेटिव और जीरो वर्क यहाँ पे पॉसिबल है। एनर्जी, फिर ऊर्जा के प्रकार देखा था अपन ने, स्थिति ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊर्जा नियम। पावर को मैंने आपको अच्छे से समझाया था, टाइम कितना कम होगा, कितना कार्य कर सकते हैं कितने कम समय में, दिस इज कॉल्ड पावर। ओके, उष्मा ऊर्जा का एक रूप होती है, जैसे किस निकाय चालू और परिवेश के मध्य, ये भी देखा था, एक टाइप की एनर्जी है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं।
इसी में जो इम्पोर्टेंट है याद रखना है कैलोरी और वॉट है ना, इसके फॉर्म में अपन क्या करते हैं उष्मा को हीट को अपन क्या करते हैं मेजर करते हैं, यूनिट इसकी यूनिट है। फिर तीन तरह से क्या होता है संचरण होता है प्रकाश के साथ। यहाँ देखिए तो इम्पोर्टेंट क्या था, दो नियम थे आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन कोण का मान सदैव क्या होता है सेम होता है, ये आपको याद रखना था। फिर अपवर्तन के नियम भी देखे थे अपन ने, दो नियम इसके भी देखे थे। प्रकाश का विक्षेपण हमने देखा था, राइट लाइट सबसे ऊपर होती है वॉयलेट सबसे नीचे होती है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को याद रखना है। क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कि जब कोई डेंस मीडियम से स्पेस मीडियम की तरफ जाती है, जब डेंस मीडियम से स्पेस मीडियम की तरफ जाती है लाइट है ना, तो वहां पे क्या होती है वो सीधे नहीं आती है, वो उसको पार नहीं कर जाती है, क्या होती है उसी एंगल पर मुड़ जाती है जब उसका क्रांतिक कोण का मान क्रिटिकल एंगल का क्रिटिकल एंगल क्या होता है क्रिटिकल से वो ज्यादा होती है, तब वो क्या होती है वो अभिलंब से मतलब उसी अभिलंब से टकरा कर क्या होती है वापस अपवर्तित हो जाती है उसी माध्यम में लौट जाती है, दैट इज कॉल्ड पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बेसिस पे अपन को किसका निकाला था प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना है आपको, हमने दृष्टि दोष देखे थे अच्छे से कल देख रखा था इनको, हम इसे ज्यादा रिवाइज नहीं करेंगे। वेलोसिटी को याद रखना है सबसे ज्यादा ठोस में सॉलिड्स में देन तरल में देन हवा में क्या होती है वो स्पीड उसकी होती है ना। फिर सोनार का देखा था पानी के अंदर जो इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यूज किया जाता है उसको सोनार कहते हैं, सोनार ऐसी होती है जो क्या होती है पानी के अंदर किसी भी चीज को के बारे में इंफॉर्मेशन देती है उसको अपन क्या कहते हैं सोनार कहते हैं, साउंड एंड नेविगेशन। ओके फिर अपन ने यहाँ पे कंडक्टर सब ये सारी चीजों को हमने देख चुका था, ज्यादा टफ चीजें हैं नहीं वो मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। आज हम जिससे कोशिश करेंगे जल्दी से हम क्या करें आगे बढ़े, जो अपन जहाँ पढ़ रहे थे उसके आगे अपन यहाँ पढ़ना चालू करेंगे एलिमेंट, ये सारी चीजों को आपको इम्पोर्टेंट चीजें आपको मैं बता चुका हूँ। कल हमने यहाँ से देखा था व्हाट इज सरफेस टेंशन, क्या होता है सरफेस टेंशन हम देख चुके थे। किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यहां तक हमने देखा था ड्यूटेरियम इज यूज इन द हेवी वाटर, ड्यूटेरियम का यूज किया जाता है भारी जल में। फिर अब यहाँ से हमें देखना था उर्वरक, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजर्स है ना। फर्टिलाइजर्स को हम समझेंगे, फर्टिलाइजर्स को हम इसलिए समझेंगे क्योंकि आने वाले समय में हमको देखना है कार्य परीक्षित है, इसके बेस के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कृषि उत्पादन में यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, कैसे हम चीज़ों का यूज करते हैं, किस किस तरह से हम किसानों को हेल्प करा सकते हैं ना, हमारे क्या क्या चीज़ें हमारे जो डायरेक्ट किसानों से जुड़ी हुई है, किसान यहाँ पे इम्पोर्टेंट मुद्दा बना हुआ है हम देख रहे हैं। अभी आने वाले करंट अफेयर्स में भी इससे चीज़ें पूछी जा सकती है, डेफिनेटली क्वेश्चंस यहाँ से बन के आएंगे। ठीक है आपको उनके लिए नॉर्मली भी सोचना चाहिए कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, उनकी हेल्प करने के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अधिनियम जो भी लॉ होते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें वहाँ पे सही या गलत है उसके बेसिस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अपन उर्वरक या फर्टिलाइजर्स किसे कहा जाता है। तो कृषि में फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम जानते हैं, किसानों अच्छे जानते होंगे जो गांव से बिलोंग करते हैं जो खेती से यहां पे जानते हैं, खेती हमारा एक सबसे बेसिकली है ना, हमको प्राउड करना चाहिए किसानों के ऊपर, उनके उनके ही थ्रू हम क्या करते हैं हमको अनाज मिलता है
सारी चीज़ों को हमको आसानी से चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। आज किसान सबसे इम्पोर्ट, किसान ही एक, आप देख रहे होंगे अगर देखे हैं तो किसान ही एक ऐसा इंसान है ना, जिसके ऊपर बिल्कुल कोई भी गवर्नमेंट ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया है। किसानों के बेसिस पे ही क्या है कि वोट मांगे जाते हैं, किसानों को यहाँ पे आश्वासन दिया जाता है, लेकिन सबसे जो प्रॉब्लम में होता है वो है किसान ही है। उसके दुख और उसके दर्द को कौन कैसे समझे। आज अपनी बेसिकली नॉर्मल से डिमांड के लिए भी आज यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, है ना। पर ठीक है, ये अपनी प्राइवेसी चीज़ है ना, मतलब क्या सोचते हैं, एक गवर्नमेंट यहाँ पे शायद ध्यान ही दे रही है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने ऐसे सोल्यूशन को लिखना है, मैं मेंस के अकॉर्डिंग देना है, जो आपको क्या होगा किसी भी गवर्नमेंट की अपोजिशन नहीं आना है आपको, है ना। आपको यहाँ पर न्यूट्रल रहना है कि क्या सही और क्या गलत है, और नियम के अकॉर्डिंग क्या सही और क्या गलत है। सबसे ज़्यादा अगर उसको पूर्ण रूप से बताऊँ आपको, मैं कम्प्लीटली अगर बताऊँ तो, है ना, मतलब आपको अपने जब भी मेंस में जब आंसर करें तो उन आंसर्स में ये रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए कि आप पारदर्शिता कर रहे हैं ना। पारदर्शी रूप से आप क्या है, एक तरफ है। आपको क्या वहाँ पे शो करना है कि गवर्नमेंट को वहाँ पे क्या रोल प्ले करना है, इस तरह से आपको चीज़ों को लिखना है, है ना। तो यहाँ पे देखिए तो क्या होता है, कृषि में फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं अपन, केमिकल का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड उर्वरक, या अपन उसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर। कि जो मिट्टी की उत्पादक, मिट्टी की जो उर्वरकता क्षमता है, जो फर्टिलाइजर है उसकी, कि वो कितनी अच्छे से उसमें जमीन में क्या क्या आ सकता है, या उसमें जो उगाए जाते हैं उसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन डालते हैं, है ना। उसमें अपन क्या होते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन डालते हैं। मिट्टी जो होती है, मिट्टी में क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग उसमें उर्वरकता उसमें कमी आती है, है ना। बेसिकली उसकी उर्वरकता में कमी आती है, या उर्वरकता में और तरीके से किसी भी पौधे होते हैं ना जमीन में, कुछ पौधे उगाए जाते हैं जमीन में, तो उनमें क्या होता है, न्यूट्रिशंस होते हैं। नाइट्रोजन सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट होता है, फॉस्फोरस होता है, अभी आगे आने समय में देखेंगे अपन, पढ़ेंगे अच्छे से। ये सारी चीज़ें क्या होती है, बेसिक होती है किसी भी पौधे के अंदर, उसकी वृद्धि को बढ़ाने के लिए, उसमें क्वालिटीज को बढ़ाने के लिए। तो इन सारी चीज़ों का जब यूज़ किया जाता है तो उसको पता क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर्स कहते हैं, है ना, जो मेन पर्पस होता है हमारा। पर अगर ज़्यादा तरीके से इनका यूज़ किया जाता है तो वो क्या है कि उनकी उर्वरकता क्षमता को क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स की क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है, गिर जाती है उसकी फर्टिलिटी, क्या होती है उसकी, गिर जाती है। तो याद रखिएगा, तो कृषि में फसलों की उत्पादनता को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली रासायनिक पदार्थ को अपन क्या कहते हैं, उर्वरक कहते हैं। कृषक इनका सामान्यतः फसलों से उत्पत्ति पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए उपयोग करते हैं, या किसान क्या होते हैं, इनका प्रश्न पेड़ों पौधों की वृद्धि के लिए इसे करते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है, अभी बता चुके हैं अपन, बात कर चुके हैं इसके बारे में। फिर कुछ उर्वरक जल में घोलकर पौधों में छिड़काव प्रयोग किया जाता है, हमने देखा है यहाँ पे, एक पीछे क्या होती है उनकी टंकी लगी होती है जिसके अंदर वो केमिकल होती है, मुँह पे कपड़ा बांध के वो क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। उसमें क्या किया जाता है, केमिकल्स क्या रहता है, उसी का क्या है, पौधों को जो भी कीटे होते हैं, जो भी होती है उसके अंदर, उसी से बचाने के लिए, या तो फिर उसकी उर्वरकता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं आप, है ना। फिर क्या है, यहाँ पे पौधे मिट्टी से जड़ों द्वारा ऊपर छिड़काव करने का पत्तियों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है ना, पत्तियों से क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इंग्लिश में देख लें एक बार, केमिकल सब्सटेंस, है ना, केमिकल सब्सटेंस यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, है ना। प्रोडक्शन का क्रॉप्स का क्या करते हैं, यूज करने के लिए क्या कहते हैं उसको, अपन क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर्स कहा जाता है। फार्मर्स कॉमनली यूज फॉर ग्रोथ ऑफ फ्री प्लांट प्रेजेंट इन द क्रॉप्स, वहाँ पे क्या आते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। प्लांट्स को यहाँ पर स्प्रे करके क्या करते हैं, वाटर के साथ उसको यूज करके क्या करते हैं, स्प्रे किया जाता है फर्टिलाइजर्स में। प्लांट्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स एंड लीव्स स्प्रे बाय द टॉप, है ना। क्या करते हैं वो, उनके क्या करते हैं, प्लांट्स अपने रूट से क्या करते हैं, उन चीज़ों को कभी कभी क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और सभी चीज़ों तक क्या पहुँचाते हैं, उसके बाहर हिस्से तक क्या पहुँचाते हैं, उन चीज़ों को पहुँचाया जाता है। ठीक है, जो बेसिकली बेसिक चीज़ है पौधों में ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरह से पानी या किसी और चीज़ों का होता है, फूड्स का भी। फिर हम देखते हैं अपन पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो किसी भी प्लांट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, है ना। यहाँ पे अपन देखते हैं मुख्य पोषक तत्व, मेन न्यूट्रिएंट्स। मेन न्यूट्रिएंट क्या है, जो चाहिए ही चाहिए ज़्यादा क्वांटिटी में, उनको अपन क्या कहते हैं, मुख्य पोषक तत्व। मतलब उसके बगैर क्या है, क्वालिटीज़ को आप बिल्कुल भी आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीन चीज़ें क्या हैं, किसी भी पौधे की वृद्धि के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।
नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अब आवाज जैसे हम देखेंगे कि किसका क्या कार्य होता है, देखते हैं अपन। यहाँ पे देखिए किसी पौधे की जड़ों में अपन क्या बताया, यहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीज, आयरन, पोटेशियम, बोरॉन, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक है ना, टॉन, सल्फर, मोलिब्डियम, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये क्या है, मैक्रो है। ये क्या है, मैक्रो, मैक्रो मतलब मेन, बड़े न्यूट्रिएंट जिसकी बड़ी क्वांटिटी में जिसकी जरूरत थी। फिर क्या है, सेकेंडरी है। फिर क्या है, बहुत ही मुक्स है ना, सूक्ष्म रूप से जो पाए जाते हैं माइक्रो एलिमेंट्स, जो बहुत ही कम क्वांटिटी में क्या आते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये भी क्या होता है, बहुत तरीके से वैरी करता है किसी भी पौधे में, लेकिन मेन क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तो हमेशा क्या है, रिक्वायरमेंट होती है किसी भी पौधे की मेन। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट, मेन न्यूट्रिएंट। तो आपको याद रखना है आयरन, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डियम, ये क्या है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। जबकि नाइट्रोजन, ये तीन याद रखनी है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीन किसी भी पौधे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं। ओके, तो कौन कौन से हैं, मुख्य पोषक तत्वों की बात करिए, मुख्य तो सर्वाधिक आवश्यक होते हैं ना, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, इसेंशियल है, इसके बगैर क्या है, कोई पौधे में जो भी इसके बगैर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा मैक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और पोटेशियम, ये तीन चीजें क्या है, मेन है किसी पौधे में। इसके बाद सेकेंडरी में क्या आते हैं, सेकेंडरी हमने क्या देखा है, कैल्शियम है ना, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम। हिंदी में गंधक को सल्फर कहते हैं, इंग्लिश में भी आप याद रख सकते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर क्या है, गंधक क्या है, इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम, सल्फर एंड मैग्नीशियम। फिर सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं, सूक्ष्म तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बोरॉन, क्लोरीन, मैग्नेट, आयरन, जस्ता, तांबा, ये सब चीज क्या है, ये इसके सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जो माइक्रो मतलब यह है कि बहुत ही कम मात्रा में जो पौधों को रिक्वायरमेंट होती है, जो कहीं से भी मिल सकती है, नहीं मिलती है तो अपन क्या करते हैं, उसको बाहर से दिया जाता है ये चीजें, है ना। ये चीजें कहाँ से मिलती है, या तो मिट्टी से अगर नहीं मिलेगी, मृदा में अगर ये जो पाई जाती है, वहां से अगर नहीं मिलेगी, सॉइल से अगर ये प्राप्त नहीं होगा, तो अब हम क्या करते हैं, तब हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं, जो अपन क्या कहते हैं, बाहरी रूप से देते हैं। क्योंकि अगर ज्यादा मात्रा में अगर करते हैं, ज्यादा तो क्या, अगर वो कम मात्रा में भी अगर अपन केमिकल्स का यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, हमारे लिए तो हानिकारक होते ही होते हैं, साथ ही साथ वो उसमें डाले जाने वाली मिट्टी की उर्वरता क्षमता को क्या करते हैं, कम करते हैं, उसकी फर्टिलिटी को क्या करते हैं, मिट्टी की, सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। स्टार्टिंग में अगर कोई किसान डालता है तो क्या होता है, उसमें उनको जल्दी से ग्रोथ होते हुए दिखने को मिलती है, पर हमको क्या लॉन्ग टर्म भी तो सोचना होता है ना, किसान को तुरंत एक बार यूज करके उसको थ्रो थोड़ी नहीं करने देना होता है, हमको क्या करना होता है, उसको लॉन्ग टर्म का यूज करना होता है। तो कुछ किसान जो थोड़ा से लालच में कहते हैं या ना समझ के रूप में आ जाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, वो केमिकल का यूज करते हैं, जो क्या होती है, बेचने के लिए जो खाते हैं है ना, जो उसका यूज करते हैं, उनके लिए तो खतरनाक है ही, साथ ही किसान के लिए भी ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसकी एक समय के बाद मिट्टी की क्या होती है, उर्वरकता क्षमता में कमी आने लगती है, देखा गया है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में क्या होती है, वो उस चीज के लिए खतरनाक मानी जाती है। इसलिए हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हम ज्यादातर क्या कहते हैं, इसे प्राकृतिक खाद्य का उपयोग करें। किसान को अगर आप देख रहे हैं तो सजेशन कीजिएगा, बात कीजिएगा कि हमको क्या करता है, केमिकल्स को यूज ना करते हुए क्या करा है, जो गोबर, जो जिससे गोबर से जो खाद बनती है, नेचुरल जिसको बोलते हैं ना, जो नेचुरल होती है, प्राकृतिक खाद होती है, उसका यूज करना चाहिए। उसमें भी क्या होती है, ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, पर्याप्त मात्रा में होते हैं। प्राकृतिक खाद जो होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। ठीक है, तो क्या होता है देखते हैं अपन, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक केमिकल कौन से, जिसमें नाइट्रोजन ज्यादा होते हैं, जिसमें क्या होता है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। नाइट्रोजन से प्रोटीन का निर्माण होता है, याद रखिएगा, नाइट्रोजन से क्या होता है, पौधों में क्या बनती है, अगर नाइट्रोजन ज्यादा है तो उसमें क्या, हम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना।
पूर्ण पर्ण हरित है ना, इसको भी अपन क्या कहते हैं भाग लेती है। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि एवं विकास में क्या करती है, सहायता करती है। उनकी जो उसकी वृद्धि होती है, वो बड़े होते हैं है ना, उसमें किसका यूज करते हैं, इसमें भी नाइट्रोजन का क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो गहरा हरा रंग देता है, जो ग्रीन कलर देता है किसी भी पौधे को, वो किसके कारण आता है, नाइट्रोजन के कारण ही होता है। अगर उसमें नाइट्रोजन की कमी है तो आप देखेंगे कि अगर उसका जो पत्ती है उसमें ग्रीननेस कम हो जाएगी, उसकी जो हरी हरापन है वो क्या कम हो जाएगा अगर उसमें नाइट्रोजन की कमी है। तो आप अगर देख सकते हैं, अपनी आंखों से भी देख सकते हैं कि अगर किसी पौधे में थोड़ा सा येलो कलर आ रहा है, ऑरेंज कलर आ रहा है या ग्रीन कलर नहीं आ रहा है, तो अपन देखेंगे उसका नाइट्रोजन की उसमें क्या है, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ आ रहा है ना आप लोगों को? जी, तो आगे बढ़े। हरा कलर कौन प्रदान करता है, हरा कलर प्रदान करने का काम करता है नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी पौधे को हरा रंग प्रदान करता है और प्रोटीन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाती है इसकी मात्रा का यूज करने से, ठीक है। फिर अपन देखते हैं फॉस्फोरस, है ना, सुपर फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, है ना, इन चीजों के फॉर्म में क्या होती है, इसको यूज करते हैं। तो फास्फोरस की उपस्थिति में कोशिका विभाजन में सहायता करता है, कौन करता है, फास्फोरस। जो उसमें जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होते हैं, उनको डिवाइड करने में कौन काम करता है, फास्फोरस का उपयोग करता है। ये न्यूक्लिक अम्ल फ्लोरोफिल एवं फाइटिन के निर्माण एवं प्रकाश संश्लेषण में सहायक फास्फोरस के उपयोग में पौधों में सत्तर बीजों का जन्म होता है ना। किसका करते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए भी क्या होते हैं, फास्फोरस रिस्पॉन्सिबल है। ये बीजों का भार बढ़ना, जो बीज होते हैं उनका वेट में अगर जो इंक्रीज करना, पौधों में रोग एवं कीटरोधकता बढ़ती है ना, कीटरोधकता क्या होती है, बढ़ती है। उनके ऊपर जो कीड़े होते हैं फसलों के ऊपर लगने वाले, अगर आप अच्छे से फास्फोरस उसमें यूज होगा तो क्या होगा, उसमें उसकी कीड़े लगने की जो फैसिलिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। फिर अगर वो अच्छे से खड़े हों, है ना, अच्छे से पौधे अपने स्टैंड कर पाए, वो मुड़ नहीं जाए, उसके लिए वो क्या करते हैं, इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, पौधों का यूज किया जाता है, ओके। इसके उपयोग से पौधों में फल जल्दी आते हैं, है ना, फल क्या आते हैं, जल्दी आएंगे अगर उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या होगा, परफेक्टली उसमें फॉस्फोरस का यूज हुआ होगा, या उसमें फॉस्फोरस अगर जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में होगा तो उसमें फल क्या होंगे, समय मात्रा में आ जाएंगे, समय टाइम पर क्या आ जाएंगे, फल आ जाएंगे। ये कौन रिस्पॉन्सिबल है, फॉस्फोरस के लिए क्या हुआ है, रिस्पॉन्सिबल है। फिर यह नाइट्रोजन के उपयोग में सहायक व पौधों की जड़ों में ग्रंथियों के विकास में सहायक होती है ना। अब नाइट्रोजन उसके अंदर तो है पौधों के अंदर, लेकिन उसका यूज अच्छे से हो पाए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका स्थानांतरण या संचरण अच्छे से हो पाए, उसका कार्य किसके रहता है, फॉस्फोरस के लिए। अगर फॉस्फोरस फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें फॉस्फोरस कम मात्रा में है या फॉस्फोरस पर्याप्त मात्रा में नहीं है कहें, तो क्या होगा, फॉस्फोरस सॉरी नाइट्रोजन भी है वो भी क्या होगा, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, उसका भी अच्छे से यूज नहीं हो पाएगा, ओके। फिर पोटाश, पोटाश का यूज किया जाता है रोग प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए फसल में, वही है ना। फिर स्टार्च हमें संग्रह संचय में मदद करता है, पौधों में प्रोटीन के निर्माण में सहायक करता है, फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि करता है, सब्जियों के पकने में उनको सवार करता है, बीज में चमकता आती है, नाइट्रोजन के प्रभाव को वो क्या करता है, कम करता है। ये सारे यूज किसके हैं, पोटाश के हैं। पोटाश के आपको क्या करना है, यूज करना है पोटेशियम, जो मेनली है पोटेशियम को क्या किस काम, किस तरह के कार्य किए जाते हैं पोटेशियम का किसी पौधे के रूप में, तो आपको इस चीजों को याद रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण की तरफ, है ना। खाद्य प्रसंस्करण में आपको बताया था कल भी क्या होता है, खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है,
खाद्य प्रसंस्करण एक यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है, वो भी देखा नहीं गया तो किसके लिए दिया गया है, खासकर किसानों के लिए दिया गया है ना। कोई भी चीज़ें अगर आपको एमपीपीसी के यहाँ पर दी गई है तो किसी न किसी से वो क्या प्रैक्टिकली उसका यूज़ है। तो यहाँ पर देखिए खाद्य प्रसंस्करण है या जिसे अपन कहें फूड प्रोसेसिंग है, तो फूड प्रोसेसिंग की कोई नया चीज़ नहीं है हमारे लिए, पहली बात तो आपको याद रखना है चीज़ें। फूड प्रोसेसिंग एक नई चीज़ नहीं है, बस सिलेबस में अच्छे से अभी डाली गई है, उसके कुछ अधिनियम भी है वो भी हम देखेंगे जो पूछे जाते हैं, ठीक है, खाद्य परीक्षण अधिनियम। तो कहने का मतलब ये है कि फूड प्रोसेसिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें अपन क्या करते हैं, वो सारे रॉ मटेरियल्स, ठीक है, जो को हम खाने में तब्दील कर पाएं मनुष्य के लिए या किसी अन्य जीव जंतुओं के लिए, हम किसी भी खाने की चीज़ को ज़्यादा समय तक ज़्यादा सुरक्षित और अच्छे से उसके सारे चीज़ों का यूज़ कर पाएं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग। समझ पा रहे हैं आप लोग? फूड प्रोसेसिंग क्या है कि किसी भी खाने की चीज़ को या रॉ मटेरियल को खाने की चीज़ में तब्दील करना, या तो वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, किसी भी जीव जंतु के लिए, सांस लेने वाले किसी इंसान के लिए या किसी जीव जंतु के लिए, उसको खाने के रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है, अच्छे से उसका यूज कर पाना है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं। हमने उर्वरक जो देखा था, उर्वरक या फर्टिलाइजर देखा था कि क्यों आ जाता है, उसकी क्या जाता है, उसकी रोग प्रतिरोधकता की क्षमता को बढ़ाने के लिए, और उसमें क्या होते हैं जो अन्य चीज़ों को, उसमें क्या होगा, उसकी वृद्धि को बढ़ाने के लिए, फलों उसमें जल्दी आए, या अदर तरफ से क्या उसमें है, ऐसे प्रोडक्ट्स को आ जाता है जिसकी ग्रोथ को वो क्या करता है, बढ़ाता है कम समय में। तो वैसे ही फूड के केमिकल्स में अपन जैसे जो भी आपको देखते हैं बिस्किट्स आते हैं या जो भी आते हैं, इसमें क्या होता है, प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं जो अधिक समय तक उसको सुरक्षित रखते हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए इतने अच्छे नहीं होते हैं, आपको बता दूं मैं। इनमें जितना कहूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा मैगी, कुछ वर्षों पहले मैगी को बैन किया गया था। क्या रीजन था मैगी को बैन करने का, आप जानते हैं? किस सब्सटेंस का ज्यादा मात्रा में यूज करने के लिए उसको बंद किया गया था? कमेंट करके बताइए एक बार, कौन सी ऐसी चीज थी जो पाई गई थी उसमें और उसको रोकने के लिए यूज की गई थी? आई थिंक मर्क्यूरी, यस, Hg उसमें पाया गया था अधिक मात्रा में, जो उसको क्या करता है, सुरक्षित रखने का काम करता है अधिक समय तक। लेकिन उसकी एक मात्रा ज्यादा होने के कारण, है ना, ज्यादा होने के कारण उसको क्या किया गया था, कुछ वर्षों पहले उसको बैन कर दिया गया था। तो समझ पा रहे हैं आप लोग पूरा इसका क्या है, मैं आपको बता पा रहा हूँ, शायद समझा पा रहा हूँ, ये बहुत ही प्रैक्टिकली ये नॉर्मल चीज़ है, इसको बहुत सारी चीज़ें डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आएगा, एंड होने तक अपन इसमें क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, इस तरह से अपन इसको पढ़ेंगे। तो रॉ मटेरियल देखिए यहाँ पे क्या है, रॉ मटेरियल है, कोई भी रॉ मटेरियल होता है सबसे पहले उसको अपन क्या करते हैं, इस कैटेगरी में आता है, यहाँ से अपन उसको इस प्रोसेस में डालते हैं, क्वालिटी उसकी चेक की जाती है, उसको अपन स्पॉट करते हैं, ये किसी प्रोसेस का हिस्सा है ना, पर्टिकुलरली ये खाद्य प्रसंस्करण नहीं है, लेकिन किसी प्रोसेस का, उसको धोया जाता है, वॉशिंग की जाती है, फिर उसको अलग तरीके से गर्म पानी से धोया जाता है, फिर पैकेजिंग होती है, फ्रीजिंग होती है, और डायरेक्ट उसको फिर बाद में अंतिम सेल में जाता है, मतलब रॉ मटेरियल से उसको सेल्स तक भेजने के लिए इन इन प्रोसेस से जुड़ा जाता है। जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट क्या हो इतनी सारी चीज़ों से होके गुजरे, लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट क्या होता है, अलग अलग चीज, अलग अलग प्रोसेस से गुजारा जाता है। क्यों गुजारा जाता है, क्योंकि उसको आपको अधिक समय तक हमको स्टोर करना है, सुरक्षित रखना है। तो किसी भी इस तरह से अपन क्या करते हैं, इन चीजों का यूज करते हैं, ठीक है। तो खाद्य प्रसंस्करण देखते हैं अपन, खाद्य प्रसंस्करण क्या है, कृषि से प्राप्त कच्चे माल को मनुष्य अथवा अन्य पशु पक्षियों के उपयोग के योग्य बनाने वाला पदार्थ खाद्य पदार्थ में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, खाद्य प्रसंस्करण कहलाती है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर, है ना, कृषि से उत्पाद की गई जो चीजें हैं उनको क्या करना है, फूड के पदार्थ में बदलना, फूड जो फूड के काम आए उसको अपन क्या कहते हैं, फूड प्रोसेसिंग कहते हैं, खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। बात आपको समझ में आ रही है?
आई होप आप चीजों को समझ में आ रहे हैं, है ना। इसकी हिस्ट्री में देखें अपन कुछ पॉइंट्स को देखें तो क्या है, प्राचीन काल से चीजें मानी जा रही हैं, है ना। जैसे धूप में नमक, धूप में रखना, जैसे नमक को नमक के अंदर रखना, अचार मुरब्बे इनको अधिक समय तक सुरक्षित रखना, ये सारी चीजें क्या है हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है, ये इंडियन कल्चर का क्या रहेगा ये, है ना, हिस्सा रहा है। फिर 19th और 20th centuries में हमने क्या किया था, जो भोजन होता था उसकी आवश्यकता को पुरस्कृत करने के लिए अपन ने क्या कहा था, सेना में, ना सेना में क्या होता है कि सेना में बहुत सारा समय तक युद्ध चलते रहते हैं, जिसमें खाने की जो प्रॉब्लम्स आती है उसमें अपन ने क्या कहा था, खाद्य प्रसंस्करण का मुख्य उपयोग रहा था वहां पर। ओके, तो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, बेसिक पॉइंट्स है, आप मेन समझ लीजिएगा कि क्या है, इसके बेसिस पर अगर आप थोड़ा सा इस समय पढ़ लेंगे तो मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप वहाँ पे क्वेश्चन जो भी आएगा वो आप कर जाएंगे, ठीक है। अधिक ज़्यादा पढ़ने से मतलब नहीं है, आपको इम्पोर्टेंट चीज़ को यहाँ पे क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है, यही है क्या है एग्जाम की पास करने की है, ठीक है। फिर क्या था, 1819 में एपर्ट निकोलसन द्वारा वैक्यूम बॉटलिंग तकनीक का आविष्कार किया गया था। ये वैक्यूम बॉटलिंग तकनीक का आप समझ पा रहे हैं, वैक्यूम बॉटलिंग तकनीक क्या, थर्मस देखा है आपने, जी हाँ, 1819 में थर्मस जो होता है, थर्मस में क्या होता है, बाहर की चीज का उसमें क्या होता है, इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं होता है ना, बाहर का उसके ऊपर क्या होता है, उसमें एक सील लगी होती है ना, उसके बीच में क्या होती है, वैक्यूम होती है, होता क्या है उसके अंदर, वैक्यूम होती है, एक अंदर होती है, तो वैक्यूम क्या होती है, वैक्यूम का फायदा ये होता है कि वैक्यूम क्या करती है, बाहर की चीजों को अंदर या अंदर की चीजों को बाहर आने से क्या करती है, रोकती है, बैरियर का काम करती है। हम क्या करते हैं, जैसे ये होता है ना, ये थर्मस का अंदर है और ये इसका बाहर है, तो उसमें क्या जाता है, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, इस एरिया में वैक्यूम हो जाती है, तो वैक्यूम होने से क्या होती है, बाहर की ऊष्मा जो होती है, बाहर की ऊष्मा होती है वो अंदर नहीं जा पाती, और ना ही अंदर की ऊष्मा क्या आती है, बाहर नहीं जा पाती है, ठीक है। सिर्फ यही प्रिंसिपल के बेसिस पे ऊपर क्या होता है, थर्मस का बनता है। तो थर्मस में आप ऐसा नहीं कि गर्म चीजों को डालेंगे तो वो गर्म रहेगी, आप अगर उसको ठंडी चीजों को भी डालेंगे तो वो क्या रहेगी, अधिक समय तक क्या रहेगी, ठंडी बनी रहेगी, क्यों, क्योंकि उसके बाहर होता क्या है, बाहर का जितना वातावरण होगा हमेशा चीज क्या होती है, समय के अकॉर्डिंग क्या होती है, उसका भी अंदर का वातावरण होता बन जाता है, लेकिन उसमें से हीट ना तो बाहर जा पाती है ना अंदर जा पाती है, इसी कारण से थर्मस क्या होता है, थर्मस किसी भी चीज को ठंडा या गर्म बनाए रखता है, यही प्रिंसिपल क्या होता है, यही प्रिंसिपल होता है थर्मस का। तो 1819 में इसका आविष्कार किया गया था सुरक्षित चीजों को रखने के लिए, जैसे वैसी बनाए रखने के लिए। फिर ट्रेन के डिब्बे बनाने और डिब्बा बंद सुरक्षित करने के लिए 1910 में बनाया गया था, 1805 में लुइसर पोर्शन के, सब कोई बड़ी बात नहीं है, है ना, याद रखिएगा, आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको रख दिए चीजें। ये लाभ क्या है, अधिक मात्रा में उत्पादन सस्ता होता है, है ना, अपन उसका क्या करते हैं, अधिक क्वांटिटी तक उसको अधिक समय तक रख सकते हैं, उसको अपन कुछ प्रिजर्वेटिव डाल सकते हैं, फिर अनेक दिनों तक संरक्षित रह सकता है, उसको अपन क्या करते हैं, बहुत ज्यादा समय तक अपन क्या कर सकते हैं, उसको सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे मैं बताया इस बात को आपको। फिर सुरक्षित रखने से क्या होता है, उसको अपन आराम से पहुंचा सकते हैं, है ना, अगर कोई चीज़ों को अगर अपन पहुंचाएंगे दूर तक पहुंचाएंगे, अगर हमको दूर तक पहुंचाना है तो पता चल रहा है कि वो आधे समय में क्या होगी, खराब हो गई चीज़ें, कई किलोमीटर तक अगर अपने को किसी को पहुंचाना है तो उसमें क्या लग रही है, कीड़े लग चुके हैं, या उसमें क्या हो चुकी है, कोई भी माइक्रो लेवल पे उसमें क्या होगी, सड़न लग चुकी है, वो डीके होने लगा है उस चीज़ का, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, परिवहन आसान होता है, उनका ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ईजी हो जाता है, इसलिए भी अपन उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हैं। फिर आसानी से दुर्गम क्षेत्र में पहुंचा जा सकता है, वहां वहां भी चीजों को पहुंचा जा सकते हैं जहां पे चीजें आसानी से पहुंच नहीं पाती हैं, ठीक है। जैसे दूध होता है ना, दूध उत्पादन होता है, कोई और चीजें भी होती है, तो उनमें क्या होता है, अगर उसको बहुत डिस्टेंस तक पहुंचाना होता है तब अपन उसमें क्या करते हैं, किसी केमिकल का यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव बोलते हैं, क्या कहते हैं अपन इंग्लिश में, प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। तो प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करने से अपन क्या करते हैं, उसको खराब होने से अपन बचा सकते हैं, इसलिए अपन क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं। फिर इसके द्वारा निर्मित भोजन में पोषक तत्व को जोड़ा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि पेड़ पौधों से जो पौधे में प्राप्त नहीं होता है ना, हमने क्या देखा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट, ये अगर उसमें नहीं हुआ, मान लिया नहीं हुआ इसमें, तो प्रोडक्ट जो बनेगा रॉ मटेरियल उसमें भी नहीं होंगे,
बट हमको क्या चाहिए कि उसके अंदर क्या होता है कि रॉ मटेरियल के अंदर अपन कोई चीज़ अगर उसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस जैसी कोई केमिकल्स डाल दें तो उसमें पूरा न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। तो बाहर से भी न्यूट्रिएंट्स बना के अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को खाने की चीज़ों को अपन क्या कर सकते हैं, परफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको? जैसे दूध होता है, आपने देखा होगा दूध भी दो टाइप के होते हैं, किसी में फैट ज्यादा होता है, किसी में फैट कम होता है, या किसी में क्रीम को बाहर निकाल जाता है। कोई एक आता है क्रीम, जिसमें से क्रीम सेपरेट हो जाता है, जिसको बोलते हैं सेपरेट सेपरेट दूध बोलते हैं, है ना। थैलियों में जो दूध मिलता है उनमें क्या होता है, सेपरेटा वाला होता है, एक में क्रीम निकाल दिया जाता है, बिना क्रीम वाला दूध होता है। तो जिसको हार्ट वाली प्रॉब्लम होती है, जिसको दिल की बीमारी होती है, उनको वो क्रीम वाला दूध नहीं देने की सलाह दी जाती है ना। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ का यूज़ नहीं होता है, तो एक होता है क्रीम वाला पैक दूध होता है, एक जो होता है जिसमें क्रीम नहीं होता है, और एक में क्रीम होता है। तो इस टाइप से क्या होता है कि उनको अलग अलग तरीके से यूज़ करने के लगा, हमारे अकॉर्डिंग क्या क्या था यूज़ करते हैं। तो यही मतलब इस पॉइंट का कि पोषक तत्वों को जोड़ा जा सकता है या घटाया भी जा सकता है ना। यहाँ पे इस तरह से अपन कह रहे हैं कि क्या था, क्रीम वाली चीज को अपन क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो क्रीम वाली चीज मतलब क्या, प्रोटीन की कमी हो गई उसके अंदर, समझ आ रहा है। बट कभी कभी क्या होता है कि वो चीजें प्रोटीन के साथ उसमें फैट की भी कमी हो गई है, तो कौन सी चीज कहाँ यूज की है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपन उसका यूज करते हैं। तो यही खाद्य प्रसंस्करण का क्या है लाभ, इन्हीं टाइप से इन्हीं चीजों में से क्वेश्चन आने वाले हैं, सिमिलर लगने वाले। आपको याद रखना है कि कौन कौन से आंसर आपको सही तरीके से आपको वहां पे आंसर तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ताजी खुले हुए भोजन की तुलना में इस भोजन पर जीवाणु आक्रमण की संभावना कम होती है ना। अगर ऑक्सीजन उसके ऊपर लगी रहती है तो रिएक्शन होती रहेगी, हम क्या करें ऑक्सीजन उसके ऊपर कम से कम पहुंचाएं। अगर उसको अपन ढाक देंगे है ना, उसको ढक कर रखेंगे, तो क्या होगा, ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो नमी कम पहुंचेगी, वाटर उसमें कम पहुंचेगा, वो पहुंचेगा तो रिएक्शन होने के लिए इनकी डिमांड कम होगी, है ना। तो ऑक्सीजन क्या होती है, रिएक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। आप वैक्यूम बना दीजिए, वहां रिएक्शन होगी ही नहीं, समझ पा रहे हैं। तो उनके ऊपर जीवाणु का कोई असर होगा नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या होगा उसके ऊपर अटैक कर पाएंगे, बैक्टीरिया क्या होंगे उसके ऊपर अटैक कर नहीं पाएंगे। आगे आपको समझ में सब चीजें, आई होप आपको चीज समझ आ रही है। मैं आपको बता रहा हूं इस नंबर पर, अपने फिर से बता रहा हूं आपको, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, सारे लेक्चर्स की पीडीएफ आप इस मैसेज के ऊपर प्राप्त कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक मैसेज के ऊपर ये सारी चीजें, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, आप इससे पढ़ सकते हैं। ओके, स्टूडेंट्स यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं और जो भी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं पर्सनली, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है आप वो भी मैं आपको गाइड करूँगा, आप वो भी पूछ सकते हैं। अगर आप आने वाली एग्जाम में जो भी प्रिपरेशन को लेकर कंफ्यूज हैं है ना, तो भी आप हम बात कर पाएंगे इसकी, इस नंबर का ध्यान रखिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। समय के साथ बस आप कॉल ना कीजिएगा, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, फिर अपन देखिए तो इसकी कमियां क्या है, कहाँ कहाँ इसकी शॉर्टकमिंग्स हैं। तो देखिए, खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग में आवश्यकता से अधिक पोषक तत्व जोड़े दिए जाते हैं। जितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है उससे क्या कर देते हैं, एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, उससे क्या होगा, उससे ज्यादा होगी प्रॉब्लम होने लगेगी, है ना। ऐसे केमिकल्स का यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था मैगी में क्या होता है, मैगी में मर्क्यूरी का यूज किया जाता है ना, HG का इसमें यूज किया जाता है, जो क्या होता है, एक काम से क्या होती है, हमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, है ना। आई थिंक जहाँ पर मुझे याद है, आप पता दीजिए कमेंट करके, शायद मर्क्यूरी था, HG था, हाँ वही था शायद। तो कम क्वांटिटी से ज़्यादा यूज़ किया जाता तो वो क्या होता है हमारे लिए, बच्चों के लिए जो होते हैं जनरली है, उसका प्रमोशन किसके बेसिस पे, तो बच्चों के लिए किया गया था। तो बच्चों में उसकी क्वांटिटी देखती है, होता क्या है कि मनुष्य के अंदर कुछ पोषक तत्व, जैसे अभी बताया था पौधों में क्या होता है, नाइट्रोजन होते हैं, पोटेशियम होता है ना। तो इस टाइप से अलग अलग चीजों का क्या होता है यूज होता है, अलग अलग चीजों का न्यूट्रिशंस का क्या होता है रिक्वायरमेंट होती है पौधों में उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, परफेक्टली ग्रोथ के लिए। तो वैसे ही मनुष्य में भी क्या होता है, इन मैग्नीशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनकी एक परफेक्टली उनमें क्या होती है क्वांटिटीज होती है कि वो कितनी परसेंटेज में वो होना चाहिए। तो
अगर ये कम ज्यादा होती है तो भी क्या होता है, इंसान को उसकी प्रॉब्लम होने लगती है, हमको उसमें क्या होती है, प्रॉब्लम होने लगती है। तो वैसे ही क्या होती है, घर में भी समस्या को क्या होती है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है अगर न्यूट्रिएंट्स की बैलेंस क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। ओके, कहने का मतलब है कि आप प्रिजर्वेटिव तो मिला देंगे, उसको समय से ज्यादा तक सुरक्षित तो रख लेंगे, लेकिन उससे जो इसको यूज करेगा, जो इसको कंज्यूम करेगा, उस कंज्यूमर की भी तो प्रॉब्लम होगी। तो उस चीज को ध्यान रखते हुए बैलेंस जरूरी है। ओके, तो अगर बोले तो कहीं ना कहीं फायदा है तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है, तो किसका फायदा है किसका नुकसान वो भी देखने वाली बात होती है। क्योंकि अगर एक्स्ट्रा चीज को न्यूट्रिएंट्स का यूज करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा, महंगा भी तो होगा, एक्सपेंसिव भी तो होगा, क्योंकि अगर न्यूट्रिएंट्स को डालने के लिए उसमें एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत तो पड़ेगी ना। समझ में आ रहा है आपको, समझ पा रहे हैं आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो देखते हैं आगे क्या लिखा है। इसमें प्राकृतिक तत्व नष्ट होने जाने की संभावना रहती है। जो नेचुरल चीज है पूरा नेचुरल तो उसका खत्म हो जाएगा ना अगर आप उसको यूज करेंगे तो वो चीजें खत्म होने की प्रोसेस होती है, संभावना होती है। उसके बाद क्या होता है, कृत्रिम रंग स्वाद, उसमें क्या करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ, अभी बता चुका हूँ, शायद आपको दोबारा बता देता हूँ मैं, कि जब मैं छोटा था तो हमारे सर ने जो आपने देखा होगा एक पैकेट के अंदर मीठी सुपारी जिसे कहते हैं ना, वो आती है, तब को सर समझाते थे, वो 1 रुपए की आती थी ना, ज्यादा महंगी आती नहीं थी, 1 रुपए की आती थी, एक थोड़ा चमक मत जैसे होती है, चंचल सुपारी पता नहीं शायद कुछ कहते थे उसको, तो वो आती थी। तब हमको उसको बचाने के लिए, सर बचाने के लिए कहते थे, क्या पता नहीं किस लिए कहते थे, हमको हमको डराने के लिए वो कहते थे, या सही कहते थे गलत कहते थे हो सकता है, कि इसे खाने के लिए आप जो चीजें खा रहे हैं वो बेस्ट है ना, वो बेस्ट है। कहने का मतलब ये, वो कहते थे कि उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए तो जो उसकी जो पैकेजिंग का इस्तेमाल होता है, वो पैक जो होता है ना, मतलब अगर कहें तो उस पन्नी का यूज होता है, उस प्लास्टिक मटेरियल का यूज करता है, एक्चुअली उसका पोस्ट ज्यादा होता है उसके अंदर के प्रोडक्ट का, तो उसको बनाने के लिए जो प्रिपेयर किया जाता है, समझ पा रहे हैं आप, जो बनाने के लिए जिस पैकेट का यूज कर रहे हैं वो उससे महंगा है, उसके अंदर की कोई कीमत ही नहीं, उसमें क्या है कुछ नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि रंग को इस्तेमाल करने के लिए पोषक तत्व के लिए हानिकारक होता है हमारे लिए, है ना, समझ पा रहे हैं हम लोग। तो नाइट्राइड सल्फाइड जैसे परीक्षण जोड़े जाते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होते हैं, है ना। नाइट्राइड और सल्फाइड जैसे, सल्फाइड हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदेह होता है हमारे लिए, तो क्या किसी भी चीज जो कंज्यूमर होगा वो क्या होगा उसका यूज करने के, बट उसकी एज बढ़ाने के लिए, उसकी उम्र बढ़ाने के लिए, उसकी खराब होने से बचाने के लिए ये चीजों का यूज करते हैं, जो करना नहीं चाहिए लेकिन किया जाता है। कई बार कम मूल्य के पदार्थ जोड़ दिए जाते हैं, बहुत ही खराब चीजों, खराब क्वालिटीज की चीज जोड़ जाती है, है ना, क्वालिटी खराब है लेकिन उसकी क्या होगी, फायदा पहुंचाएगा किसको, जो उसका बेचने वाला है, लेकिन जो कंज्यूमर है उसको क्या होगा, नुकसान होगा, लेकिन की जाती है। कैलोरी बढ़ जाती है अगर उसमें अपन एक्स्ट्रा चीजें जोड़ देंगे तो क्या होता है, कैलोरी बढ़ जाएगी, है ना। फिर इन चीजों का नुकसान क्या पड़ता है, किसानों पे भी पड़ता है सीधे सीधे, अगर बढ़ती है तो कहने का मतलब ये सारी चीजें क्या होती है, खाद्य प्रसंस्करण, मतलब अगर हम क्या कर रहे हैं उसको, एक तरफ हमारे को पॉजिटिव है तो दूसरी चीज क्या है, निगेटिव भी है, ठीक है। फिर हम देखते हैं खाद्य प्रसंस्करण की हानि को कम करना, कैसे हम इस चीज को, उनके लॉस को कम कर सकते हैं, एक बार मैं इंग्लिश में बता देता हूं, शॉर्ट कमिंग क्या है, सीरियस प्रॉब्लम्स होती है, ओबेसिटी मोटापा होता है इसमें अंदर, है ना, डिस्ट्रॉइंग नेचुरल एलिमेंट्स क्या होता है इसमें कम आते हैं, प्रिजर्वेशन के नाइट्राइड और सल्फाइड जैसे कोई यूज करने के साथ क्या होता है, हार्मफुल फॉर हेल्थ, ये होता है हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए, बेसिक चीजें हैं, इंग्लिश लेटर में कोई बड़ी बात है नहीं समझाने के लिए, हिंदी में समझाता हूँ, है ना। कैसे कर सकते हैं इसको अपन, बेकिंग का यूज करना, तेल का यूज कम करना, फैट का यूज कम करना, कैलोरीज का यूज कम करना। आपको मैं बता दूं कि जो हार्ट प्रॉब्लम्स होती है ना, हार्ट प्रॉब्लम के जो ब्लॉकेज होते हैं उनको तेल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी को भी हार्ट अटैक हुआ है तो आपको मैं बता दूं तेल से उनको दूर रखना है,
क्यों? क्योंकि एक बार अगर हॉर्टेज होता है तो उसमें क्या होती है, उसमें एक तरह की एक झिल्ली होती है ना हार्ट में, जो क्या होती है, हार्ट क्या होती है, हार्ट हार्ट अगर ये होता है तो उसमें क्या होती है, बहुत सारी क्या होती है कोशिका यहाँ से निकलती है, सेल्स यहाँ से जुड़ते हैं, है ना। तो जो मेन होती है, मेन में ब्लॉकेज होता है, तो ब्लॉकेज क्या होता है 60%, 70%, 80% किस तरह के क्या होते हैं, ब्लॉकेज होते हैं। तो ब्लॉकेज क्या होते हैं, इस टाइप के जो फैट होते हैं, है ना, फैट का काम करता है तेल, सबसे ज्यादा उसमें क्या होता है तेल, सबसे ज्यादा खतरे की चीज क्या होती है, तेल होती है। तो वो क्या होती है, परमानेंटली ब्लॉकेज होती है। तो उसको खोलने के लिए क्या करता है, इंजेक्शन दिए जाते हैं हार्ट अटैक में प्रॉब्लम जो होती है आपको। अगर बेसिकली आपको मोटा मोटे तौर के बताऊँ तो सजेस्ट करूंगा कि तेल को आप जो जो भी हार्ट अटैक का जो भी इसका प्रॉबिलिटी है, एज के साथ इसके चांसेस बढ़ते भी हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक अलग से थोड़ा बात कर लेंगे अपन, अभी बता देता हूँ मैं। तो तलने के स्थान पर क्या उसे बेकिंग का इस्तेमाल करना चाहिए अपन को, है ना। फ्राइंग उसको क्या करनी चाहिए, फ्राइंग करने से बचना चाहिए अगर अपन को खाद्य प्रसंस्करण से हमको स्वास्थ्य के लिए अगर उसको बचाना है। फिर क्या है, स्वच्छता का यूज करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हमको क्या करना चाहिए, इसको क्लीनिंग की यूज करना चाहिए, हाइजीन का यूज करना चाहिए, हाइजीनिक स्टैंडर्ड का यूज करना चाहिए। आर्टिफिशियल सब्सटेंस को क्या करना चाहिए, अपने को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। आर्टिफिशियल सब्सटेंस को कम करना चाहिए, आर्टिफिशियल पदार्थों को क्या करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए, ठीक है। डिब्बा बंद मछली प्रसंस्करण, ये सब क्या है, इन चीज़ों के यूज होते हैं, है ना, इन सब का यूज है मीट में, प्लांट्स में, शुगर में, इंडस्ट्रीज में, पैकिंग प्लांट्स में, ये सब क्या है, इसके यूज है। फिर हम देखते हैं और क्या क्या बचाव क्या है, हीट के थ्रू यूज करना चाहिए। हीट से क्या होती है, उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, हट जाते हैं। जल को हटाना, यहाँ पे जल से नमी है, नमी का मतलब क्या है कि नमी होने के कारण क्या होता है, उसमें रिएक्शन होने लगता है। तो रिएक्शन मतलब क्या, वहाँ रिएक्शन हो रही है लेकिन वो रिएक्शन हमारे लिए क्या खराब खराब हो रही है। बैक्टीरिया वहाँ पे क्या है, पनप रहे हैं। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया क्या है, उसके ऊपर खराब चीजों को क्या है, बढ़ा रहे हैं, है ना। उसको अपन क्या है, जब उसको अपन भंडारण करते हैं, उसको जब स्टोरेज करते हैं, तो अपन क्या है, टेम्परेचर को क्या करते हैं, उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को रखना है। पीएच की वैल्यू को क्या करना है, कम करना है। उसका पीएच हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है, 7 पे थोड़ा सा रिड्यूस करके चलना है। फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिएक्शन करने के लिए होती है, उनको अपन क्या करना है, कम रखना है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में आपको कम से कम पर रखना है। ये चीजें क्या है, जब एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम यहाँ पे आपको अभी बताता हूँ, एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि पीएच की वैल्यू को कम करना है या ज़्यादा करना है। तो याद रखना है आपको कि अगर आपको उसको बचाना है ना, कहने का मतलब ये, आपने अगर यहाँ पे पढ़ भी लिया तो आप क्या सकता है, क्वेश्चन को अगर आपका ध्यान से नहीं सुनेंगे तो वहाँ पर गलत करने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो मैं आपको रीज़न बता दिया है, पीएच को कम करना है, समय के ताप को कम करना है, जल को हटाना है, उष्मा का प्रयोग करना है, कम करना है, बढ़ाना है, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता को क्या करना है, आपको कम करना है। यूज ऑफ हीट, रिमूवल ऑफ हीट, रिड्यूसिंग टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टोरेज, रिड्यूसिंग पीएच वैल्यू एंड कंट्रोल द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजों का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, उसके खाद्य प्रसंस्करण से होने वाले नुकसान को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ओके। फिर इस क्लास को हम आज यहीं खत्म करते हैं। आने वाली क्लास में अपन फूड टेक्नोलॉजी और उसके बाद इन वीडियो को हम पढ़ने वाले हैं, और जो भी अधिनियम है, खाद्य परीक्षण के अधिनियम है, उनको भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, है ना, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे।